दोस्तों, एक LG की CRT TV रिपेयर होने के लिए आई हुई है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हो पा रही है। जब हम इसको स्टैंड बाई से रिलीज़ कर रहे हैं तो 3 या 4 सेकंड बाद फिर से ये स्टैंड बाई पर चली जा रही है। इसकी प्रॉब्लम मैं आपको पहले दिखा देता हूँ बिल्कुल लाइव। उससे पहले इसका मॉडल नंबर वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, जॉयमैक्स प्लस। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये इसकी स्टैंड बाई की लाइट, मैं इसको रिलीज करता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिम हो गई है, वेट करेंगे। कुछ देर बाद यहाँ पर फिर से ये तेज़ हो जाएगी। 5-10 सेकंड बाद देखिए, ये देखिए, ये कंडीशन है, यानी कि स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो पा रही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं इसके सर्किट को बैक करके आपको दिखाता हूँ कि वोल्टेज कितनी बन रही है। ये इसका SM ट्रांसफार्मर का सेपरेशन लाइन है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो अलग अलग वोल्टेज इधर पे लिखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 वोल्ट, 15 वोल्ट और अलग अलग वोल्ट। यहाँ पर देखिए, ये है 110 वोल्ट की लाइन जो कि हमारे EHT तक जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले आपको 110 वोल्ट चेक करनी है, और IC पे आपको 40 नंबर की पिन में 3.3 वोल्ट, यहाँ पर 3.3 वोल्ट 33 नंबर की पिन पे, और यहाँ पर एक 7805 रेगुलेटर है उस पर आपने वोल्टेज चेक करनी है, और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है वो सब आपने चेक करनी है। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट है, ये सब आपने चेक करनी है, और 110 वोल्ट भी चेक करनी है। यहाँ पर फॉल्ट कहाँ से आ रहा है ये भी आपको मैं बता दूंगा, बट आपको सीरियल वाइज एक बार बता देता हूँ। हालांकि इसको रिपेयर करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, छोटा सा फॉल्ट था, और वो फॉल्ट कहाँ से था ये आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसको लाइन दे देता हूँ और मल्टीमीटर को सेट करता हूँ। मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे रख लिया है, और अब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए वोल्टेज कहाँ कहाँ पर कितनी बननी चाहिए ये आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये 110 वोल्ट की जो लाइन है उस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज ठीक है, 104 भी दिखाता ही है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम इसके बाद चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो ये इसके जस्ट बाद में एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसके बाद में 90 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैंने जब इसके फॉल्ट को फाइंड किया तो बहुत टाइम मुझे लगा, लास्ट में जब इधर पे चेक किया तो तब जाके मुझे यहाँ पर, मैं सिर्फ यहीं पे चेक कर रहा था तो ज़्यादा मुझे यहाँ पर ध्यान नहीं गया। उसके बाद जब मैंने रजिस्टर पे चेक करा तो 90 वोल्ट ही दिखा रहा था। यहाँ पर 110 वोल्ट जो यहाँ पर SM ट्रांसफार्मर के थ्रू बनता है, ये यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 1 ओम्स का है, तो यहाँ पर इस लाइन के थ्रू, देखिए इस लाइन के थ्रू ये यहाँ पर जाता है बी प्लस वाले पॉइंट पे, जो कि यहाँ पर 90 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ तो आप देखेंगे, देखिए मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ तो इसमें भी वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी, मतलब बहुत कम हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर ये दिक्कत है। एक सेकेंड, मैं फिर से इसको स्टैंड बाय पे से रिलीज़ करता हूँ तो इस पर वोल्टेज आप देखेंगे 110 वाली, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस रजिस्टर के जस्ट बाद में देखिएगा तो ये बिल्कुल, अभी देखिए स्टैंड बाई से रिलीज़ करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि वोल्टेज यहाँ पर कितनी बन रही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट दिखा रहा है, और यहाँ पर देखिए 112-13 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर देखिए वोल्टेज बिल्कुल ड्रॉप हो चुकी है। तो यहाँ पर जो रजिस्टर लगी हुई है वो ख़राब हो चुकी है। अगर आपके केस में भाई यहाँ पर जो रजिस्टर लगी है वो ख़राब ना हुई हो तो क्या करें, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने IC पे वोल्टेज चेक करनी है। आपको एक जगह पे यहाँ पर पावर लिखा हुआ मिलेगा, ये देखिए पावर लिखा हुआ मिलेगा, तो उस पर आपने वोल्टेज चेक करनी है। तो वहाँ पर वोल्टेज अभी शो नहीं करेगा, जब आप इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज आपको मिलनी चाहिए, जो कि 3.3 वोल्ट 2 वोल्ट के समथिंग होती है। तो इससे ये लगता है कि भाई आपकी IC बिल्कुल सही है। तो कभी कभी IC से भी प्रॉब्लम आती है, तो IC आपकी सही है। देखिए जैसे स्टैंड बाय कुछ देर बाद बत्ती दोबारा से वैसे होगा तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी वोल्टेज थोड़ी देर बाद। हाँ देखिए, जब जब इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे तो उसकी वोल्टेज यहाँ पर 3.3 होनी चाहिए, और यहाँ पर एक 7805 का जो रेगुलेटर है वहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट ये दिखाना चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये रेगुलेटर यहाँ पर लगा हुआ है, बैक से आप देखें तो रेगुलेटर यहाँ पर सही है, और यहाँ पर भी ये फिर से इसको रिलीज़ करते हैं स्टैंड बाई से, तो यहाँ पर एक और रेगुलेटर है
ये देखिए इसकी वोल्टेज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इसमें सीन है, इस वाले के बीच वाले में आपको 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो ये है, यहाँ पर आईसी की वोल्टेज चेक करें, यहाँ पर चेक करें, और 110 वाले को तो स्पेशली आप चेक करें, जो कि यहाँ पर देखिए अभी दिखा तो रहा है, लेकिन इसके जस्ट बाद में जब अभी दिखा रहा है देखिए 90 वोल्ट, इसको स्टैंड बाय से रिलीज करके वोल्टेज आपको दिखाऊँ तो वोल्टेज बिल्कुल, एक सेकेंड, अब वोल्टेज बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा। देखिए कुछ देर में स्टैंड बाय से फिर से स्टैंड बाय में आ जाएगा तो वोल्टेज वही 90 वोल्ट दिखाने लगा। देखिए बिल्कुल लाइव है, सामने मल्टीमीटर है और यहाँ पर टच करा हुआ है। वेट कीजिए 2-3 सेकंड का, जब बत्ती दोबारा से स्टैंड बाय पे आ जाएगी ना, ये देखिए 90 वोल्ट पे आ जाएगा। तो ये दिक्कत है भाई, जब भी आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है स्टैंड बाय पे होती है, रिलीज करते ही फिर से वो स्टैंड बाय पे चला जाता है, तो आप यहाँ पर जो रजिस्टर है उसको आप चेंज करें। चलिए मैं इसको सिस्टम को बंद करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो ये रजिस्टर जली हुई है, ये रजिस्टर जली हुई है, तो इस रजिस्टर को हम निकाल के अलग करेंगे। इसकी जगह पे आप इस रजिस्टर को लगा सकते हैं 1 ohm 5 volt का। तो ये रजिस्टर आपको किसी भी बोर्ड में मिल जाएगा, एम्पलीफायर वगैरह किससे निकाल सकते हैं, 1 ohm की होनी चाहिए और मैक्सिमम 5 volt की हो, क्योंकि इधर लोड ज़्यादा होता है तो 5 volt की आप यहाँ पर रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। वैसे शॉर्ट करके भी चल जाएगा, बट शॉर्ट नहीं करना चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है, तो यहाँ पर रजिस्टर अवश्य लगाएं। तो यहाँ पर रजिस्टर लगाने के बाद फिर वो वोल्टेज का जो इश्यू है वो ख़त्म हो जाएगी और ये टीवी प्रॉपरली चलने लगेगा। चलिए मैं इसको चेंज करता हूँ। इसको भाई फॉल्ट फाइंड करने में बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत लगी, बट सॉल्यूशन आपको मैंने दे दिया। अगर ये प्रॉब्लम बन रही हो तो इसी सेक्शन में आप देख के चेक कर सकते हैं। अब फाइनली यहाँ पर मैंने रजिस्टर लगा दिए, जो यहाँ पर रजिस्टर थी वो आप देख सकते हैं, और इसको चेक करके भी आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल ख़राब है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब है। तो अब चलिए मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ सिस्टम। ये लाइट जली और इसको हमने स्टैंड बाय से रिलीज करा और आप सामने शीशे पर देख सकते हैं, वेट करेंगे इसके ऑन होने का। देखिए बिल्कुल पिक्चर आ रहा है। तो भाई ये दिक्कत थी, तो ये देखिए सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपना हो चुका है। ए भी सामने और ये रहा चैनल का, ठीक है ये रहा। तो भाई यहाँ पर आप सिर्फ 1 ohm की और 5 watt की रजिस्टर लगाएंगे, उससे कम की अगर आप लगाते हैं रजिस्टर तो, या ज़्यादा वैल्यू की लगाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो ध्यान रखें 1 ohm की रजिस्टर होनी चाहिए, ज़्यादा वोट की हो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर कम वोट की ओवरहीट होगी और प्रॉब्लम कर सकती है। तो इस प्रॉब्लम का बस इतना ही सॉल्यूशन था, बाकी जो भी प्रॉब्लम आती रहेगा उसका सॉल्यूशन आपको बताते रहेंगे। भाई शॉप पे काम करता हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं शूट वगैरह करने में, तो उसके लिए सॉरी, बट जल्दी ही कुछ और नई व्यवस्थाएं होंगी शूट करने के लिए, तो आपको जल्दी ही कुछ नई नई वीडियोस देता रहूँगा। वीडियो पसंद आए या फिर सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक कर देना, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।